अमृतसर दे विच अनोखा मामला सामने आया है जिथे कि मध्य प्रदेश की रहने वाली फिजा अपने एक आशिक नूं मिलने वास्ते सरहद पार करन जा रही थी। दरअसल दो देशों के प्यार का मामला अमृतसर विखे सामने आया है। तो तस्वीरें तुहानूं इस फिजा की दिखा रहे हैं। जिहड़ी फिजा इस वक्त तुसीं देख सकते हो कि इस वक्त अमृतसर पुलिस अते प्रशासन की कस्टडी च है। वो पाकिस्तान के एक लड़के दे नाल उसनूं प्यार हो गया सी, तो उस तों बाद वो पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उस तों पहला ही उसनूं जिहड़ा है सुरक्षा एजेंसियां ने ते जां प्रशासनिक दे अधिकारियां ने उन्हां नूं अपने नाल इत्थे लिआंदा है, ते जिस तों बाद उहदी एसजीएम 2 दे अग्गे पेशी की जा रही, तो उसनूं भेजा जाएगा। लेकिन सब तों पहले इस लड़की नाल गल कर रहा। हाँ जी, क्या हुआ आपके साथ, कैसे आपकी दोस्ती हुई, दोस्ती कैसे हुई उसके साथ? फेसबुक पे बात हुई थी, किस पे बात हुई थी? देख सकते हो कि लड़की कुछ भी बोलने तैयार नहीं है। तो इस मामले दे विच जिहड़ा है वड्डी गल सामने आ रही है कि सोशल मीडिया के राही इन्हां दी आपसी दोस्ती हुई, उस तों बाद इन्हां नूं जिहड़ा है एक दूसरे नाल प्यार हुंदा, लेकिन पाकिस्तान जाण दी तैयारी कर रही सी, पुलिस दे अधिकारी मौजूद ने। सर, किस तरह होया सारा मामला? ये लड़की मध्य प्रदेश की रहने वाली है, फीजा जी का नाम है, बाप का नाम इस्लाम खान है। ये प्राइवेट स्कूल टीचर लगी हुई है। ये 14/6/2022 में लड़की अपने घर तो स्कूल गई, मुड़ के वापस नहीं आई, तो इस जे पेरेंट्स है उन्होंने वालों उतों की लोकल पुलिस को मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने बाद लड़की जी अपना वीज़ा लगा के पाकिस्तान जाना चाहती सी, तो उदों दी लोकल पुलिस वालों इहदा LOC जारी किया, हुण करके ये लड़की जी ICP अटारी के जिहड़े उन्हें रोक लिया गया। तो हुण ये लड़की जी नारी निकेतन भेजा गया सी इसनूं, तो हुण SDM साहब ते पेश किया, तो लड़की अपने वारसा पास जाना चाहती। फिर इहदे कोल वीज़ा सी पाकिस्तान जाण दा? हाँ जी, हाँ जी, 30 दिन का। 30 दिन का, हाँ जी। वीज़ा कित्थों लगवाया ने इहदे बारे नहीं कन्फर्म नहीं होया। तो मध्य प्रदेश कित्थों दी रहण वाली? ये हैगी है मध्य प्रदेश के शहर, फीजा शहर है, उतों रहण वाली। परिवारक मैंबर आए इत्थे? ਪੁਰਾਗ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਾਂਗੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ LOC ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ LOC ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ SDM ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਪੇਸ਼ ਕੀ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਸਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਈ ਜਾਣਗੇ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਜੋ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾ ਕੁਛ ਅਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਮਲਾ? मामला प्रथम दृष्टया तो केवल मिसिंग पर्सन का सामने आया है। महिला स्कूल में पढ़ाती थी, पढ़ाने के दौरान ही वहाँ से घर में बिना बताए चली गई थी। चूँकि पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह इनका जारी किया हुआ था, तो इस संदेह के आधार पर कि कहीं भारत से बाहर जा रहे हो, इसलिए लुकआउट नोटिस जारी करवाया गया था। उसी आधार पर महिला की दस्तियाबी अमृतसर में हुई है। अब ले जाकर जो भी पूछताछ में सामने आएगा। पर जा तो वो सर वैलिड तरीके से जा रही थी? वैलिड तरीके से जा रही थी, पर घर पर सूचना नहीं दी थी, परिवार को नहीं बताया था, जिसके कारण मिसिंग थाना सिटी कोतवाली रीवा में दर्ज किया गया था। इसके बाद मिसिंग पर्सन की जो भी कार्रवाई है वो हो जाए, वो जहां जाना चाहे जा सकती है। बालिग है लड़की? बिल्कुल बालिग है, 23 साल उम्र है लड़की की। तो लड़के का नाम क्या बताया गया, जिस लड़के के साथ इसने बताया कि उसका अफेयर था? इसकी अभी सूचना नहीं है। हम लोगों को तो लड़की अभी मिली है, सुपुर्दगी अभी हमने पंजाब पुलिस से प्राप्त की है। आगे जो भी जैसा भी बताती है आपको सूचना दी जाएगी। तो तुम देख सकते हो तस्वीरों के विच लड़की इस वक्त अमृतसर पुलिस ते प्रशासन की कस्टडी से है। पर सर, इन्हें की दस्या रीजन उत्थे जाण दा? इन्हें तो दस्या मेरी मतलब चलदा सी लड़के नाल, ते जाना चाहुंदी सी मिलने वास्ते। इहनूं कित्थों दा रहण वाला लड़का? इह कोई क्लीयर नहीं है, जो है पाकिस्तान दा है, वैसे कराची दा क्यों पर ज़्यादा ना क्लीयर नहीं होया। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ SDM ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ
उन्हां दे एक दोस्त सी, उन्हां नाल सोशल मीडिया दे दोस्ती हुंदी। तो उस तों बाद हुण उसनूं जिहड़ा है पाकिस्तान जाना सी, तां उसने बकायदा तौर ते 30 दिन दा एक लीगल वीज़ा लिता सी क्योंकि उहदी उम्र 23 साल तों उपर है। लेकिन मध्य प्रदेश दे विच उहदा लुकआउट नोटिस जारी किया गया सी। तां लुकआउट नोटिस जारी होण तों बाद जो है उस तों बाद हुण इह होया कि जदों कोई भी मामला दर्ज हुंदा है तां उस तों बाद जदों भी कोई व्यक्ति बाहर जांदा है तां उसनूं फड़िया जा सकदा। तां लुकआउट नोटिस जारी होण करके सर लुकआउट नोटिस करके ही पकड़ा गया इसको? जी अभी तो आप ही की पुलिस से पकड़ा गया। लुकआउट नोटिस ही है मेन? जी वेख सकते हो LOC जी जारी हुई थी, तो उस बाद इसनों जरा है गिरफ्तार किया गया। तो पंजाब पुलिस वालों सर कोई परचा दर्ज किया गया पंजाब पुलिस वालों? तो फिलहाल लुकआउट नोटिस के आधार पर ही जी है कार्रवाई जी है की गई है। तो फिलहाल तुम दिखा रहे हैं कि उसके पासपोर्ट्स वगैरह भी जे जे को पासपोर्ट वगैरह भी है जे जे उस दे दिए गए हैंडओवर कर दिए गए। सर पासपोर्ट वगैरह ले लिए इसके? ले लिए पासपोर्ट और वीज़ा जो भी है सुपुर्दगी में ले लिया गया है। एक मोबाइल और 6,680 रुपये इसके पास जो मिले थे वो ले लिए गए हैं पंजाब पुलिस से। और कोई चीज़ ऐसी इसके पास? अभी तक तो कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली। ऐसी कोई लड़की कोई चीज़ ऐसी लेके जा रही हो पाकिस्तान में? नहीं नहीं प्रथम दृष्टि ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। तो मैडम अब आप अपने घर जा रहे हैं मध्य प्रदेश, दोबारा जाएंगे पाकिस्तान? नहीं देख सकते हो कि लड़की कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन तस्वीरें तुम लगातार साझिया कर रहे हैं इस लड़की जो कि इसन लैके जाया जा रहा है। तो यह लड़की फिलहाल मध्य प्रदेश पुलिस की गिरफ्त है, तो उसको मध्य प्रदेश लैके जा रहा है। पहले इसको नारी निकेतन रखा गया था, पाकिस्तान जाना चाहती थी लड़की। दरअसल पाकिस्तान के एक लड़के नाल इसका अफेयर चलिया, तो उस बाद जरा है हूँ लड़की क्योंकि लुकआउट नोटिस जारी किया गया, तो लुकआउट नोटिस जारी होने करके ही इस लड़की पाकिस्तान जाने की परमिशन नहीं दी गई। क्योंकि जो उसे वीज़ा चैक हों तो उस बाद लगता है कि यहाँ लुकआउट नोटिस जारी सी क्योंकि जरा एक अपराध शाखा जी होंगी है जी एक सेंटर गवर्नमेंट की, तो उस लुकआउट नोटिस जरा जारी हों नज़र आया। तो उस तो बाद जरा है इस लड़की बारे पता चलिया। तो 30 दिन का एक विशेष वीज़ा लैके जी जानू तैयार से, तो उस तो बाद फिलहाल लड़की हूँ इस वक्त वापस मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है। तस्वीर तुम लगातार साझिया कर रहे, तुम देख सकते हो कि जिन्हें भी उसकी लीगल कार्रवाई है उस अमल च लिया जा रही है। तो उस बाद इस लड़की भेजा जाएगा। तो तस्वीर तुम लगातार दिखाया कि किस तरीके एक वक्रा प्रेम दो सरहदा दे विच लड़के लड़की का प्रेम। लेकिन फिलहाल लड़के की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है कि लड़का कितों का रहने वाला है। हो सकता है कोई इस तरह की फेक होवे जिदे नाल की लड़की नू फसाना होवे, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन लड़के बारे हले पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के वाले तो खबर यह हुई है कि एक लव अफेयर से जिस करके अपने आशिक नू मिलने वास्ते लड़की पाकिस्तान जा रही थी, लेकिन उसनू जरा है लुकआउट नोटिस जारी होने करके उसनू जरा है गिरफ्तार किया गया है। सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब TV, अमृतसर।